धीर भाई, मुझे तो हर साल तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार रहता है। क्यों, पीने को मिलता है? यार साल में एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर पीता हूँ और उसी का तुम मुझे ताना दे रहे हो। यार तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है, जल्दी निकालो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। अरे वीर भाई, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर याचन नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर है? यहाँ पे ही होंगे, वो है अपने परिवार के साथ, जाओ मिल लो। हेलो मिस्टर रंजीत, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया है। भाई जयचंद जी सब दिखाई दे रहे हैं, आपकी छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही? वो भी अभी आती है। अंकल अरे केक में कहाँ है, चलो भाई। आपने कुछ लिया? हाँ लिया ना ये। अच्छा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरी अभी बॉस से बात कराओ। अरे ये सब गलत हो रहा है, बात कराओ मेरी बॉस से अभी। अरे माया ये क्या हुआ? किसको क्या हुआ अंकल? अरे मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की बात कर रहा हूँ। ये तो बस, अरे कुछ नहीं भाई साहब, माया बाथरूम में गिर गई थी, ऐसे ही जरा हल्की सी चोट आई है। हाँ अरे भाई घर गृहस्थी में तो सब चलता रहता है, अब छोड़ो ना। आओ कैट काटते हैं, कम कम चलो चलो। मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, मिल वाली जमीन देने के लिए तैयार है। कब देंगे? जब तुम ऊपर पहुंच जाओगी तब? जी जी जून तक दे देंगे। जून तक तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उन्हें। आइए 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 सब आइए 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 मैडम, चलिए सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस। रंजीत क्या हुआ माया बेटी, नींद नहीं आ रही क्या? उसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे इस रोज रोज के रोने धोने के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, आपको पैसे ला दूंगी। अरे मगर जून तक इंतजार कौन करेगा? मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं मॉम डैड को बोलूंगी, जून से पहले पैसे ला देंगे। नहीं अब तक तो तू मना नहीं पाई, अब क्या मनाएगी? चल चल चल, अब क्या कोई फायदा नहीं है। कस्कमन खड़ी रहे चुपचाप, अरे जल्दी कर। सुना था मंती, इसे यहां नहीं मारेंगे, ऐसा करो इसे जल्दी से गाड़ी में डालो, जल्दी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे मुंह बंद रख अपना। नहीं ये सब गलत है, मैं कहीं नहीं लेके जाने दूंगी इसे। अरे चलो हट जाओ सामने से, चलो चलो इसे यहीं बंद रहने दो,
इसे तुम आके बाद में निपटेंगे। चलो चलो जंगली जानवर इसकी लाश को खा जाएंगे, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। अरे जल्दी मारो ना पापा, अभी कामनी से भी निपटना है। मैंने तुझसे कहा था ना माया कि तेरे इस रोज रोज के रोने धोने के झंझट को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। छोड़ो, उसे पकड़ो, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। चलो कहा जाएगी बचकर। दीदी आज मेरी मौत होके रहेगी। हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जल्दी चलाओ ना। ओ दो पापा, जल्दी करो पापा। एक बार मुझे मौका मिलने दो। कामिनी को भी मार दिया होता उसी वक्त तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रोक दे दोनों को, लगेगा साला दोनों एक्सीडेंट है मारी गए। पापा जल्दी करो प्लीज, जल्दी पकड़ो। विवेक पूर्वी, तुम लोग उस गाड़ी पे देखो, बहुत तमाशा हो गया। चलो देख लो बात, चलो 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 सामने चलो। सर, इन्होंने हमें मारने की कोशिश की है। दोनों को ये माया और मैं कामिनी, मैंने आप लोगों को फोन किया था। और ये हमारे सास ससुर है, वो माया का पति है और वो मेरा पति, ये सब लोग मिलकर हम लोगों को दहेज के लिए मारना चाह रहे थे। ओ, ये बात है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ विवेक ले जाओ। मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ हल्की सी ही खरोच आई है। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। पूर्वी आई चलिए। आई आई आप लोग चलिए और जेल में बैठ के अब दहेज का हिसाब किताब कीजिएगा। चलिए चलिए बैठिए। डॉक्टर साहब, अब माया की तबीयत कैसी? घबराने की बात नहीं है, गोली शरीर को छूते हुए निकल गई है, अभी बेहोश है, बहुत जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? अब कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही। कम से कम एक हफ्ता लगेगा। सचिन, तुम और पूर्वी यहीं पर रहो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, गोली के अलावा और भी कोई घाव या कोई निशान है माया के शरीर पर? नहीं, घाव तो नहीं, मगर मारने पीटने के निशान है शरीर पर। मारने पीटने के? जी। जिंदगी नरक बना दिया मेरी बेटी का उन लोगों ने सर, इतना दहेज दिया फिर भी मारते थे। वो दहेज के लिए माया को मारते थे, तुम्हें पता था? जी। तो फिर तुम पुलिस में क्यों नहीं गए? उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस में कंप्लेंट किया तो लोग मेरी बेटी की जान ले लेंगे। अरे कोई मजाक है क्या? बेटी की जान ले लेंगे? तुम चुप बैठे इसलिए उस पर वो जुर्म ढाते रहे। एक्सक्यूज मी। ठीक है जाइए। We'll be right back.
स्पोर्ट शूज पहने थे। क्या हुआ पूरी? सर किसी ने माया पे हमला किया। माया पर हमला किया? निकल गया सचिन, लगता है हमला करने वाला कोई लड़की थी। बल गिरी है, सिर के पीछे किसी ने वार किया। पलटाओ इसे। माय गॉड, इसका चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? पूरी तरह से टूटा है चेहरा, फ्रैक्चर हुआ। देखो जरा, और भी कोई चोट है क्या? अच्छी तरह से देखो। ये कामिनी कौन से फ्लोर पे रहती है? 13 फ्लोर पर रहती थी, 13 माले पर रहती थी। किसी ने देखा ये सब हुआ कैसे? हाँ, किसी को कुछ मालूम है? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब इस वॉचमैन ने शोर मचाया ना तब पता चला हमको। तुम चिल्लाए जी, तो तुमने देखा इसे गिरते हुए? नहीं सर, मैंने भी गिरते हुए नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ चीख सुनी थी। यहाँ पे देखा ये गिरी पड़ी थी। कामिनी को गिरने से पहले आखिरी बार कब देखा था तुमने? साहब मैंने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा होगा, ये उनकी नौकरानी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बिंदु साहब। अच्छा बिंदु, तुम रहती कहाँ हो? साहब मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। सुबह आई तो पता चला मुझे। क्या तुम्हें मालूम है कामिनी को कोई परेशानी थी उसके घर में? जी साहब, मैडम को सास ससुर बहुत तंग करते थे, इसीलिए मानसिक तनाव था उन्हें। अरे सास ससुर तो उसके सड़ रहे हैं जेल में, अब काहे का था ना। अच्छा बिंदु एक बात बताओ, कल रात को कितने बजे तक थी तुम कामिनी के पास? सब रात को खाना बनाने के बाद मैडम को मैंने दवाई दे दी और 11 बजे के आसपास में चली गई थी। और भी कोई आया था उससे मिलने के लिए? नहीं साहब, जब तक मैं घर पे थी तब तक तो कोई भी नहीं आया, और मैं जाने के बाद मैडम ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो तुम में से किसी को भी मालूम नहीं है कि ये सब हुआ कैसे, कामिनी नीचे गिरी कैसे? बड़ी अजीब बात है सर। आप रे, वास का टुकड़ा मिला है सर। वास का टुकड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कामिनी के सिर पर पीछे से कोई वास या किसी ऐसी चीज से मारा हो और फिर कामिनी ऊपर से गिरकर मर गई? सर अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा वास मिलना चाहिए था। हाँ ये बात तो है। एक काम करो फ्रेडी, 13वें माले पर कामिनी के घर में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो, देखो देखो कोई वास या ऐसी कोई चीज मिलती है क्या। है? यस सर। ये घर अंदर से बनता है, इसका मतलब है कामिनी घर के अंदर अकेली ही थी। देखो जरा, देखो अच्छी तरह से। क्या
तो सामान पैक करके रखा हुआ है, शायद कहीं जाने की तैयारी थी। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। कहाँ जाने वाली थी कामिनी? नहीं सर, मुझे तो कुछ बोला नहीं मैडम ने, और ये बैग भी मेरे सामने नहीं पैक की है उन्होंने। सर अगर कामिनी बाहर जाने वाली थी तो उसने आत्महत्या यहाँ पे क्यों की? बाहर भी कर सकती थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। ये कोई आत्महत्या नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। इस बैग को तुम अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। विवेक सर, यहां से इस बालकनी से गिरना मुश्किल है। ये देखो ये रेलिंग कितने ऊंचे हैं और मजबूत भी है। मतलब सर किसी ने कामनी को धक्का ही दिया है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। ये क्या है विवेक, जरा हटो। कपड़े का टुकड़ा, बिल्कुल वैसा ही जैसे कामिनी ने कपड़े पहने हैं। यहाँ इस तार में कैसे अटका और ये तार यहाँ पर क्यों? एक काम करो सर, इस रेलिंग पे जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब के सब उठाओ। ये सर। हाँ फ्रेडी, फाइल मिली बैग में से। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तारीख है 5 नवंबर 2005 और माँ का नाम सुखी। सुखी बिंदु, ये सुखी कौन है जानती हो तुम? नहीं साहब मुझे नहीं पता। नहीं पता? एक कामिनी ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर कहाँ जा रही थी? क्या इस बर्थ सर्टिफिकेट का कामिनी के खून के साथ कोई कनेक्शन है? पता लगाना पड़ेगा। दया ये कामिनी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे रहती है, तो रात के 2 बजे उसका घर के बालकनी में आना और फिर वहां से नीचे गिरना, ये कोई इत्तफाक नहीं है दया। हाँ सर, वो तो दवाई खा के सो गई थी। सर हो सकता है किसी ने सोती हुई को उठा के नीचे फेंक दिया हो। अगर घर के अंदर कोई पहले से छुपा हुआ होता तो ऐसा काम हो सकता था, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वैसे भी आत्महत्या तो नहीं लग रही है। सर बंद घर में हुआ है, पता लगाना बहुत ही मुश्किल है सर। एक रास्ता है निखिल, एक रास्ता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट और सुखी। इन दोनों के बारे में पता चल गया ना तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। सर सुखी के बारे में शायद ये माया कुछ जानती होगी। तो फिर दया पूछो इस माया से ये सुखी है कौन, और सारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बुकिंग ऑफिस में जाकर पता लगाओ। पता लगाओ कि ये कामिनी जा कहां रही थी। जो काम तुमने किया है ना माया, वो हर औरत को करना चाहिए। दहेज लेने वाले सभी आदमी को जेल में होना चाहिए। इस बधाई की हकदार कामिनी दीदी है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अफसोस की बात है कि कामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या, कैसे गिरी वो? देखिए ये सब तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मैं एक बात बताऊं, क्या तुम किसी सुखी नाम की लड़की को जानती हो? जी नहीं। इस इयररिंग को देखो, बताओ तुम पहचानती हो इस इयररिंग को, किसकी है ये? ये तो बिंदु की। बिंदु की? ये उनकी नौकरानी है। ये बिंदु तो कामिनी की नौकरानी है। बिंदु ने ही तुम पर हमला किया है माया, और इस बिंदु ने ही कामिनी को भी मारा है। उठाओ इस बिंदु को। सर ऐसा लगता है कि कामिनी के सर के पीछे जो चोट लगी थी वो गिरने से नहीं लगी है सर। हाँ दया, उसके सिर पर किसी ने मारा और खून किया है। हाँ सर, सर ये सफेद पाउडर भी था चोट में। सारुखी ने बताया किस चीज का पाउडर है? सर सिरामिक के वास से सर पे मारा गया, उसी का पाउडर है ये। हाँ वहां पर हमें एक वास का छोटा सा टुकड़ा मिला था।
पूरा घर ढूंढने पर भी वो बचा हुआ वास कहीं पर भी नहीं मिला, तो फिर गया कहां वो वास? विवेक, तो वास का टुकड़ा दिखा। यस सर। सर, अगर इस वास से उसके सिर पे मारा है तो फिर वही सवाल, मारने के बाद वो आदमी घर से बाहर गया कैसे? दया, इस फोटो को गौर से देखो। इस फोटो में कामिनी के सिर पे जो घाव है वो यहाँ है, बिल्कुल पीछे, बीचों बीच है। मतलब सर, कामिनी ने बालकनी में आने के बाद जैसे ही नीचे देखा तो किसी ने ऊपर से, मतलब छत से नीचे वास फेंक के मारा। Exactly. वास कामिनी के सिर पे लगा और उसकी वजह से कामिनी नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मगर सर, कुछ तो हुआ होगा कि कामिनी को रात के 2 बजे बालकनी में आना पड़ा। शायद किसी ने उसे फोन करके बुलाया होगा, इसीलिए बालकनी में आके नीचे देख रही थी। बस कामिनी के फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा। सर, बिंदु के बारे में पता चल गया। क्या पता चल? बरताली मार्केट में रहती है, पर घर पे मिली नहीं सर, कल से लापता है। बिंदु घर से कल से ही गायब है, इसका मतलब है उसका कामिनी के खून से कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, ये कामिनी के रिजर्वेशन की कॉपी है, वो ट्रेन से भूगोलपुर जा रही थी। भूगोलपुर जा रही थी? कामिनी भूगोलपुर किस लिए जा रही थी, किस लिए? इस कामिनी के बिल्डिंग के वॉचमैन और सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। छोटा सा गांव है, हो सकता है कामिनी किसी रिश्तेदार से मिलने आने वाली थी। क्यों, उसका घर नहीं हो सकता यहाँ पे? हाँ सर, ये भी हो सकता है, कोई पहचान ले। अरे सुनो भाई साहब, ये कामिनी का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सुना है। अरे वाह, कहाँ कहाँ सुना है? महाभारत में। नहीं, मैंने सोचा कि आप यहाँ गांव की किसी कामिनी की बात कर रहे हैं। अब ये फोटो देखो, इसको पहचानते हैं? हाँ, ये तो कामिनी सुखी है। सुखी? कामिनी सुखी, सुखी कामिनी? इसकी शादी मुंबई में हुई है ना, जयचंद परिवार में। सुखी तो हमारे यहाँ के बड़े जमींदार साहब की बहू है। हम उनसे मिल सकते हैं, उनका घर दिखाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे, गांव छोड़ के चले गए। क्यों? अरे 2 साल पहले उनकी छोटी बहू ने नाक कटवा दी थी। क्या क्या किया उसने? अरे भाग गई, और क्या। ओ, अच्छा, जमींदार साहब के परिवार में कोई है क्या जिनसे हम लोग बात कर सके? तो कोई नहीं, हवेली तो खाली पड़ी हुई है। हवेली खाली पड़ी है? मालूम है ना क्या हुआ यहाँ पर कल रात को? साहब, मैं तो सारी रात जगा हुआ था। तो फिर कोई टेरेस पर चढ़ के कैसे गया? साहब, मुझसे पूछे बिना टेरेस पर कोई जा ही नहीं सकता है। तो फिर कामिनी का खून कैसे हुआ, कैसे हुआ कामिनी का खून? सच सच बता दे तीरू, किसी को तुमने चाबी दी थी क्या? नहीं साहब, माँ कसम मैंने चाबी किसी को नहीं दी, मैंने तो प्लम्बर को भी मना कर दिया था। प्लम्बर? प्लम्बर कहाँ से आया, किसने बुलाया था उसे, कितने बजे आया था वो? रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आया था। किस काम के लिए आया था वो? सेक्रेटरी साहब ने उसे बनाने के लिए बुलाया है। अरे मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है जो मैं रात को प्लम्बर को बुलाऊंगा? पानी की पाइप तो ठीक है। मैंने भी उसे ये बोला कि सुबह में आना, तो चला गया था और मैं भी फिर रान मारने चला गया। उस वक्त टेरेस की चाबी वो कहाँ थी? चाबी तो टेबल पड़ी हुई थी सर, और मैं तो उसे टांग देता था। तो इसका मतलब है वो आदमी वो प्लम्बर टेरेस पर गया था, तुमने देखा है उसे पहले कभी? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। याद करके बताओ दिखता कैसा था वो, हैं? कैसे दिखता था, कोई खास बात उसकी बताओ।
हाँ साहब याद आया, उसके हाथों में कुछ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? उसके हाथों और नाखूनों में पेंट था और मिट्टी जैसी कुछ अजीब चीज लगा हुआ था। हाथ और नाखूनों में पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। सर हाँ, ये बिंदु भी वहीं पे रहती है जहां पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ओ, बिंदु वहीं पर रहती है जहां पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो इसका मतलब है कि कामिनी का खून बिंदु और उस प्लंबर ने ही किया है। सर यही वो हवेली है। धन्यवाद आपका। सर ये सुखी यहाँ पे नाम बदल के क्यों रह रही थी? हो सकता है जयचंद के परिवार में उसने दूसरी शादी की, इसलिए उसने अपना नाम कामिनी रख लिया। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई काम की चीज मिलती है क्या। एक पेपर आराम से चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। ये देखिए, इन फोटोज में ये बिंदु भी है दुल्हन के जोड़े में। कामिनी की मेट शादी के जोड़ों में, ये क्या मामला है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राजघराने की बहू है उसकी? हो सकता है, अगर यहाँ बिंदु कामिनी के अलावा ये तीसरी औरत भी है, कहीं यही छोटी बहू तो नहीं जो भाग गई थी? सर आ निकल। सर ये देखिए कंकाल, औरत का कंकाल है। गहने तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इस औरत ने पहने हुए हैं। ये देखो, लगता है ये तीसरी बहू का कंकाल है। सर मतलब ये भागी नहीं थी, जमींदार परिवार ने इसे मारा है। दोनों चारों तरफ आग, आग लगी लगता है। वो कंकाल बाहर निकालो जल्दी। अरे दरवाजा कैसे बंद करके?
रख, नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दे हैं? तू तो हमें ऊपर पहुंचाने वाला था, कौन है तू? साहब साहब मेरा नाम झुमरू है साहब। लेकिन तू मारना क्यों चाहता था? साहब मुझे जमींदार साहब ने हुक्म दिया था कि अगर कोई भी हवेली में घुसता है और कोई चीज ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जान से मार दो। अच्छा, कहाँ है तेरा ये बड़ा जमींदार? साहब पता नहीं वो कहाँ है साहब, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे दे के गए और कहा है कि हवेली का और बच्चे का ख्याल रखना साहब। बच्चे का ध्यान रखना? कौन सा बच्चा? साहब गुड्डू, सुखी का बेटा साहब। सुखी का बेटा तुम्हारे पास है वो? हाँ साहब। चलो दिखा, लेके चलो इसे। सचिन पुलिस स्टेशन से पता करो छोटी बहू के गायब होने की कोई एफ आई आर लिखवाई गई है क्या, और उसके मायके वालों को इन्फॉर्म करो। जिस लड़की की फोटो हमें भूगलपुर की हवेली में मिली थी ये उनके माता पिता है सर। देखिए इन गहनों को, बताइए क्या ये गहने आपकी बेटी के हैं? ये तो मेरी बेटी चारू के गहने हैं। आपको कहां से मिले? भूगोलपुर के हवेली में हमें एक कंकाल मिला था, ये कंकाल के गले में था। मुझे मालूम था मेरी बेटी भाग नहीं सकती, ये उन पेड़ियों का काम है, उन्होंने उसे मार डाला, उसका खून किया। किन लोगों की बात कर रही हैं? चारू के सास ससुर, उन्होंने ही हमारी बेटी को मारा और फिर घर छोड़कर भाग गए। क्या इनमें है बोलो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दहेज के लोभी जिन्होंने मेरी बेटी को मारा। पहले तो चारू की शादी अपने बेटे से करा ली और फिर दहेज की मांग करने लगे। तो क्या आपने दहेज दिया इन लोगों को? हाँ साहब, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझसे बेटी का तो देखा नहीं गया, इसीलिए हमने 2.5 करोड़ की संपत्ति इनके नाम कर दी और उन लोगों ने मेरी बेटी को। सर ये तो वैसे ही मामला जैसे जयचंद ने माया के साथ किया। हाँ दया, बहुत बड़ा गैंग है ये, लोगों को उनकी बेटियों की शादी की लालच दिखाकर दहेज के नाम पर धन ऐंठते हैं ये लोग। सर हाँ। सर जिस रात कामनी का खून हुआ था उस वक्त की कॉल डिटेल्स। ये देखो दया, रात के 1:30 बजे कामिनी को किसी शौनक नाम के आदमी का फोन आया था। हाँ सर, और ये शौनक वहीं रहता है जहां बिंदु रहती है, बरताली मार्केट। ओ हाँ, क्या मिल गया? एक्सलेंट, अब पता चलेगा इन दहेज के लोभी भेड़ियों को। गुड्डू गुड्डू बेटा, डरो नहीं बेटा, तुम्हें यहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। बेटा हमसे दोस्ती करोगे? बोलो बेटा, दोस्ती करोगे हमसे? बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे तुम्हें और बहुत सारे चॉकलेट्स भी खिलाएंगे। सच?
चॉकलेट चॉकलेट तो है मेरे पास। गुड्डू, हम तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब दोगे? तो बताओ गुड्डू, तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? अंकल, मैंने कभी डैडी को देखा ही नहीं। डैडी को देखा नहीं तुमने कभी? तो अपने मम्मी से पूछा कि नहीं कि कहाँ है मेरे डैडी? पूछा था, मम्मी कह रही थी कि बहुत दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम झुमरू के साथ क्यों रहते हो? अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी ने छोड़ रखा था झुमरू अंकल के पास, वही मेरी देखभाल करते थे। मम्मी तो कभी कभी आती थी मिलने। मम्मी आती थी कभी कभी मिलने? क्या वो अकेली आती थी या उनके साथ कोई और भी आता था? हर बार मम्मी के साथ अलग अलग अंकल आते थे, बहुत बुरे अंकल थे वो, मुझसे दूर रखते थे मम्मी को। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम खाओगे? निखिल सर, गुड्डू को आइसक्रीम खिलाओ, खिला कर ले क्या जा। अच्छा गुड्डू बेटा, मैं और चाची आइसक्रीम खा के आते हैं। ओके अंकल। हाँ बेटा। फिर मुझे मम्मी के पास ले चलोगे? हाँ बेटा गुड्डू, जरूर तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास ले चलेंगे। पहले आइसक्रीम तो खा कर आओ। जा। चलो अच्छी अच्छी आइसक्रीम खा के आते हैं। इस गुड्डू की मां कामिनी जरूर उस गैंग में शामिल थी। सो हो सकता है कामिनी इस गैंग में मिली भी हो, मगर ये काम कोई उसे जबरदस्ती करवा रहा था, तभी तो बेचारी मारी गई। जयचंद और उसके परिवार वालों से पता लगाओ, पता लगाओ और कौन कौन लोग शामिल है इन कमीनों के साथ। और फिर ये बिंदु छुपी कहां है पता लगाओ। क्या हुआ है? पता नहीं सर, मुंह से झाग निकलने लगा अचानक। तो कहीं जहर तो नहीं दिया किसी ने? आपने पूछताछ की? पूछा सर, पर कुछ पता नहीं चला। पता कैसे नहीं चला आपको? पूछताछ की। पूर्वी, इन लोगों के साथ हॉस्पिटल जाओ। जाओ पूर्वी। यहाँ पर कौन जहर दे सकता है? अच्छा कौन आया था इनसे मिलने? नहीं सर, लगता है किसी ने खाने में ही जहर मिलाया। सर सर अगर खाने में जहर होता तो और लोगों को भी तो तकलीफ होती। कुछ भी बोले जा रहे हो, समझ कर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो। जानबूझकर जहर दिया गया उन लोगों को, समझते आप? खाना कौन बना था यहाँ पर, बुलाओ उसे। खाना बनाने वाले को लेकर क्या? अरे खाना परोसा कहाँ जाता? कहाँ परोसा जाता है जल्दी बताइए। सर वहां। ये सर, ये इसमें चावल है, दाल, इसमें भी दाल। कैदियों को क्या दो दो पतीले दाल लगती है? नहीं सर, एक बड़े पतीले में तो काम हो जाता है इनका। तो फिर ये दूसरा छोटा पतीला किस लिए है? बता दे, है कोई दूसरा जवाब आपके पास इसके अलावा? सर खाना इन्हीं दोनों ने बनाया था, यह है भीखू और यह है गरुण। देखो भीखू और गरुण, इस दाल में जहर है। किसने मिलाया जहर? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं जहर किसने मिलाया है? बताओ जल्दी। मालूम नहीं साहब। ये छोटा पतीला बिल्कुल नया है और इसमें से थोड़ी सी दाल निकाली गई है। क्यों सचिन,
इस भिखू को ये दाल पिलाओ, पिलाओ दाल से। नहीं साहब, साहब माफ कर दो साहब, मुझे साहब मैंने नहीं किया साहब, मेरे से करवाया गया था साहब। करवाया? किसने करवाया, कौन है वो? साहब एक आदमी और एक औरत है साहब। कहाँ मिलेंगे वो हमें? साहब आज रात को चेतारा नाका पे आने वाले हैं साहब पैसा देने के लिए। ओ, आज रात को चेतारा नाका पैसा देने के लिए? गुड जॉब भिखू, बहुत अच्छा काम किया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे अरे, पैसे तो मैं घर ही भूल गई। कोई बात नहीं, पैसे के अलावा और बहुत कुछ लेकर आए हैं हम तुम्हारे लिए। सॉरी भिखू, कहा सुना सब माफ कर देना, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ऊपर मिलेंगे ना तो पाई पाई का हिसाब करेंगे। ऊपर का हिसाब तो ऊपर होगा, पहले यहाँ का हिसाब तो कर ले। संभालो इसको। कामिनी को क्यों मारा? बस किसी ने कहा था? किसने कहा था? हाँ, टिकट रेडी है? हाँ मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम गेट पे ही मेरा इंतजार करो, मैं वहां पे ही तुम्हें मिलूंगा। तीनू? यस सर। सारा सामान पैक है? जी सर। जल्दी से गाड़ी में रख दो। ठीक है सर। मेरे लिए कोई पूछने आए तो कह देना तुम्हें पता नहीं कहाँ है। ठीक है सर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है वे? सॉरी मिस्टर मीर, बिना बताए आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो आगे मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गोली मार दूंगा। सर रुक जाओ सर, वरना गोली मार देगा। गोली मारेगा तो मारने दो। शायद इसे मालूम नहीं है कि सीआईडी ऑफिसर जब बाहर निकलता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलता है, और अगर ये एक गोली मारेगा तो दो गोली खाएगा भी। बोलो मिस्टर मीर, मरना है? मिस्टर मीर, रास्ता उस तरफ है, चले। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सीआईडी को गन दिखाएगा तू? सीआईडी को? गलती हो गई सर। गलती से लड़कियों का खून कर दिया? आठ आठ लड़कियां, गलती से? पहले शादी फिर खून, कैसे बताते कैसे थे लोगों को तुम? सर हम जिस शहर में जाते थे हम दिखाते थे कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत शान और शौकत है हमारे पास, और लोगों को लगता था कि कोई बड़ा खानदान आया है। जी, अमीर लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाकर हम अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते थे, और ऊंचा खानदान देकर लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए राजी हो जाते थे। हाँ, और फिर शुरू हो जाता था तुम्हारा दहेज लेने का चक्कर। लड़की को तब तक तंग करते थे जब तक वो अपने माँ बाप की सारी जायदाद तुम्हारे कदमों पे लाके नहीं डाल देती। जी, जैसे ही जायदाद मिली लड़की का खून, है ना? जी, और फिर हम दूसरे शहर में चले जाते थे किसी और की तलाश में। इन सारे कामों में कामिनी भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी ना? जी। तो फिर उसे क्यों मारा? लड़कियों को मारना नहीं चाहती थी,
उसने जयचंद और बाकी लोगों को फंसा दिया था। विवेक, इन्हें अंदर भेजने का इंतजाम करो, केस चलेगा, फांसी का ऑर्डर आने तक ये वहीं रहेंगे। कामिनी ने वाकई बहुत बहादुरी और वीरता का काम किया है। हाँ दया, बिल्कुल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे मालूम था सर, इन लोगों के खिलाफ जाना मतलब मौत को दावत देना है, फिर भी उसने ये लड़ाई लड़ी। सर, कामिनी तो इस दुनिया में रही नहीं, मगर उसके बेटे गुड्डू का क्या होगा, बेचारा तो अनाथ हो गया। कामिनी का भाई उसकी देखभाल करने वाला है। और सर, ये माया किसी एनजीओ से जुड़ गई है जो इस तरह की शादीशुदा लड़कियों के लिए काम करती है। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और वैसे भी दया, कामिनी की मौत भी बेकार नहीं जाएगी। उसके इस मौत की वजह से समाज की सोच में कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर आएगा। दहेज मांगना और दहेज लेना पाप ही नहीं, गुनाह भी है। इसलिए इस बुराई से दूर रहिए, बंद कीजिए दहेज मांगना और दहेज लेना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।